राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हैवानियत की दास्तां सामने आई। आफताब नाम के आरोपी ने अपनी प्रेमिका की पहले बेरहमी से हत्या की, फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसे जंगल में ठिकाने लगा दिया। करीब 6 महीने बाद सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी आफताब और श्रद्धा लेविन में रहते थे। मुंबई में कॉल सेंटर में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हुई, जिसके बाद प्यार में तब्दील हो गई। परिवार वालों के विरोध पर दोनों भागकर दिल्ली आ गए थे। पुलिस ने हत्यारे आफताब को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले लड़की के फादर को ऐसा फील हुआ कि लड़की से टच में नहीं आया जा रहा है, लड़की मोबाइल पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है या सोशल मीडिया पे कुछ नहीं एक्टिव है लड़की, तो वो मुंबई पुलिस गए। पुलिस ने आरोपी आफताब को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। उदयपुर में रेलवे ट्रैक धमाके के पीछे आतंकी साजिश का शक है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम टेरर एंगल की जांच कर रही है। रेलवे ट्रैक को उड़ाने के लिए पहले से प्लानिंग बनाई गई थी। ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। रेलवे ट्रैक पर धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। जांच कर रहे हैं, NIA वालों को बुला लिया हम लोगों ने, वो भी देख रहे हैं किस एंगल से क्या घटना हुई, क्यों हुई, पीछे क्या कारण था। FSL वाले भी चले गए तो उसको बहुत ही गंभीरता से ले ली। फिलहाल रेलवे लाइन ब्लास्ट की NIA और ATS जांच कर रही है। PM मोदी ने उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन का 31 अक्टूबर को ही उद्घाटन किया था, लेकिन 13 दिन बाद ही रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश रची गई। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात करेंगे। 45 घंटे के इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारत 1 दिसंबर से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित होगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। ये लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने को तैयार हैं। वतन 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 मेरा आबाद रहे तू, मैं जहां जहां रहूं मैं याद रहे तू, बाली में G20 समिट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच मुलाकात भी हुई। करीब 11 साल बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पंडित नेहरू के बहाने BJP पर बड़ा हमला बोला। महबूबा ने कहा कि अगर नेहरू और शेख साहब के रिश्ते गहरे नहीं होते तो जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा नहीं होता। अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता। वहीं कांग्रेस ने भी BJP पर तंज कसा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि BJP कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती। वर्तमान सरकार ने, मुझे ऐतराज है इस बात का कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए सूरत पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही ओवैसी मंच पर पहुंचे, उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे। इतना ही नहीं, सूरत के रुद्रपुरा में मुस्लिम उम्मीदवार के प्रचार के दौरान मुस्लिम युवकों ने ही उनका विरोध किया। ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए और गो बैक के नारे भी लगाए। इस बीच ओवैसी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कहा, कुछ लोग 27 साल से हार रहे हैं और आपको BJP का डर दिखा रहे हैं। भाजपा को हराना है, अरे ये छोड़ो, हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आ ही नहीं रहे हो 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा डरा कर आप वोट ले रहे हैं।